तो चलो प्यारे बच्चों, इस वाले सवाल को देखो। इसमें का क्या जाता है कि यहाँ पे इस सवाल में कि इतने वोल्ट की लैंप कनेक्टेड टू ए सेकेंडरी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, याद रखना, हुज प्राइमरी कनेक्टेड टू 220 वोल्ट। एज्यूम करना है कि ट्रांसफार्मर आइडियल है। व्हाट इज द करेंट इन प्राइमरी कॉयल? तो प्राइमरी कॉयल यहाँ पे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का जो सिंबल है वो ऐसा कुछ होता है, स्टेप डाउन है, तो इधर नंबर ऑफ टर्न्स जो है वो कम होते हैं और इधर नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा होते हैं, डाउन है। तो ये प्राइमरी है, ये प्राइमरी है और ये सेकेंडरी है, ठीक ना। तो यहाँ पर एक सोर्स है और यहाँ पर एक आउटपुट है। तो यहाँ पर एक मैं रेजिस्टेंस लगा देता हूँ। कहता है ये कनेक्टेड टू द सेकेंडरी, सेकेंडरी में जो है यहाँ पर एक लैंप कनेक्टेड है जिसके पास पावर जो मिला है वो 12 पावर जो मिला वो 60 वाट का मिला है और इसके अलावा जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 12 वोल्ट है, ठीक ना। और यहाँ से स्टेप डाउन प्राइमरी कनेक्टेड टू ए सोर्स, ये जो है सोर्स प्राइमरी का जो वोल्टेज है वो 220 वोल्ट है, यहाँ पर जो कनेक्शन हुआ है ये प्राइमरी है, यहाँ पर जो कनेक्शन दिए हो। तो ये कहता है व्हाट इज़ द करेंट इन प्राइमरी, इसको मैं 1 से सफिक्स डिनोट करता हूँ, इसको मैं 2 से। तो इसमें करेंट की वैल्यू पूछ रहा है तो करेंट इन 1 में निकालना है। हम सबको पता है कि अगर ट्रांसफार्मर आइडियल होता है देयर इज़ नो लॉस, आइडियल ट्रांसफार्मर में जो पावर लॉस है, जो पावर लॉस है वो जीरो है, पावर लॉस नहीं होता है। तो जो पावर लॉस नहीं होता है तो जो इनपुट पावर है, पावर ऑफ फर्स्ट, पावर ऑफ सेकेंड, प्राइमरी का पावर सेकेंडरी के पावर के बराबर होता है। तो पावर इज इक्वल टू होता है करेंट इन फर्स्ट और वोल्टेज इन फर्स्ट, यहाँ से करेंट इन सेकेंड, वोल्टेज इन सेकेंड, यहाँ से करेंट इन फर्स्ट आ जाएगा, यहाँ से करेंट इन टू और यहाँ से वोल्टेज इन टू और यहाँ से तुम देख सकते हो वोल्टेज इन फर्स्ट। दिस इज़ द पावर, पावर अप टू दैट इज़ वी वन, यहाँ से तो पावर अप टू यहाँ से डायरेक्ट दिया हुआ है, 60 वोल्ट का पावर हमें यहाँ पर मिल रहा है और जो वोल्टेज है फर्स्ट का वो डायरेक्ट तुम 220 वोल्ट से यहाँ से डिवाइड कर दोगे तो यहाँ से करेंट इन प्राइमरी जो आ जाएगा वो आ जाएगा 3/11। अब 3/11 जब डिवाइड करोगे तो पॉइंट यहाँ से 30 और पॉइंट यहाँ से 27 एम्पियर के यहाँ पे आ जाएगा। तो 0.27 एम्पियर, मतलब बी ऑप्शन सही है। आसान सवाल था, थैंक यू।